हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी केक की रेसिपी। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमारा केक बनेगा। ना ही हम यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मिक्सिंग जार का, फिर भी हमारा केक बहुत बढ़िया तरीके से बनके तैयार होगा। तो आइए फटाफट ये केक बनाना शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फटाफट केक बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तरह के बिस्किट लिए हैं। एक तो मैंने यहाँ पे गुड्डे बिस्किट लिया है और एक मॉम्स मैजिक बिस्किट लिया है। तो आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट ले सकते हो, जैसे कि चॉकलेट बिस्किट है, हैप्पी हैप्पी, ओरियो बिस्किट, कोई भी क्रीम वाले बिस्किट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये दो तरह के बिस्किट लिए हैं। अभी हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे एक बाउल में। तो सारे बिस्किट निकाल लिए, अभी हम इसको अच्छे से बाउल के अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हम रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर दूध डालेंगे। तो दूध हमें एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे दूध डालना है। तो इस तरह से रखने के बाद अभी हम इसके ऊपर दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मेज़र कप से मैं नाप के दूध डाल रही हूँ। हमारा मेज़र कप जो है वो 60 ml का है। तो यहाँ पे हमें 60 ml दूध पहले डालना है, बाद में हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ पे नाप के ही दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस बिस्किट को भिगाना है। तो यहाँ पे हमने दूध डाल दिया, अभी हम इसको 5 मिनट तक रख देंगे इसे ही। और 5 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से बिस्किट भीग चुके हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टूल है तो वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो इस तरह के चम्मच से भी आप इसका बैटर बना सकते हो। तो मैं आपको चम्मच से ही इसका बैटर बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से बिस्किट को तोड़ लीजिए, चम्मच से ही आसानी से टूट जाएगा। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल ही बिस्किट को हमें तोड़ देना है, बिल्कुल ही लम्स नहीं रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए आसानी से टूट रहा है। तो चम्मच से हम इसका अच्छा बैटर बना लेंगे, केक का बढ़िया तरीके से बनेगा केक का बैटर। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए और केक का बैटर तैयार कर लीजिए। बैटर चाहिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज़्यादा दूध नहीं डालना है। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा हमें दूध डालना है, दूध एक साथ ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे आधा बाउल मैंने दूध लिया है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे पहले मैंने 60 ml दूध डाला था, बाद में थोड़ा सा दूध डाला है। तो इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए इसको। तो यहाँ पे हमें दो बिस्किट में 80 ml जितना दूध लगा है। तो यहाँ पे इस तरह से ही हमें केक का बैटर बनाना है। तो बिल्कुल ही केक का बैटर बन चुका है, अभी हम इसको साइड रख देंगे और यहाँ पे इडली कुकर प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पे इडली कुकर में बना रही हूँ, तो उसमें हम एक कटोरा भर के नमक डाल देंगे और इस तरह से चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर भगोना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इडली कुकर लिया। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड है तो वो भी रख सकते हो, नहीं तो इस तरह की प्लेट लेके इस तरह से उल्टी रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे स्टैंड रख रही हूँ, तो यहाँ पे बीच में स्टैंड रख दीजिए और इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ही हम इसको प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ पे एक पतीली ले लेंगे, उसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो बटर पेपर भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे चारों ओर अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पे केक का बैटर ले लेंगे और उसमें इनो डालेंगे। तो हमें यहाँ पे इनो आधा ही डालना है, पूरा नहीं डालना है। तो देखिए मैंने आधा इनो डाला है, आधा नहीं डाला है। अभी हम इसको इसके ऊपर थोड़ा सा एक चम्मच जितना दूध डाल के अच्छे से फेंट लेंगे और इसको इनो डालने के बाद हमें तुरंत ही जिसमें हमें ऑयल क्रिस करके रखा है जिस पतीली में, उसमें हम तुरंत ही डाल देंगे। तो इस तरह से फेंटने के बाद हम तुरंत ही पतीली में डाल देंगे, इसको रखना नहीं है। केक मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पतीली का यूज़ किया है। हम डालने के बाद थोड़ा सा इसको स्टफ कर लेंगे इस तरह से। देखिए ज़्यादा इस तरह का मत कीजिए, नहीं तो फिर ऑयल जो है वो पूरा ऊपर आ जाएगा और केक नीचे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आराम आराम से ढक्कन हटा के इसको हम रख देंगे और इसको हम 40 मिनट तक फ्रीट होने के लिए, तो यहाँ पे इसको 40 मिनट तक हम पकने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से ढक्कन ढक दीजिए और इसको 40 मिनट तक पकने दीजिए। और फिर 40 मिनट के बाद देखेंगे
तो यहाँ पे हमारा केक जो है बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो चुका है। आराम आराम से ढक्कन हटाइए और यहाँ पे एक स्टूट स्टिक ले लीजिए और इस तरह से डालिए। तो यहाँ पे हमारी स्टूट स्टिक जो है वो बिल्कुल ही सूखी आ रही है, बिल्कुल ही केक का बैटर जो है वो नहीं चिपक रहा है, यानी कि हमारा केक जो है वो बढ़िया तरीके से बन चुका है। तो अभी हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम यहाँ पे शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और यहाँ पे एक पतीली रख देंगे, उसमें हम आधा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा कप ही पानी डालना है। और उसके अंदर हम चीनी डालेंगे 2 चम्मच जितनी, और इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो इसको चाशनी नहीं बनाना है, बस इसका पानी ही बनाना है, शुगर सिरप। तो ये बिल्कुल ही बन चुकी है। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे और यहाँ पे हम केक निकाल लेंगे। तो केक भी हमारा बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसको आराम आराम से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए किनारे भी छोड़ दिए केक ने सारे। तो यहाँ पे इस तरह से आराम आराम से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केक ने पूरे किनारे छोड़ दिए हैं। तो केक बढ़िया बढ़िया तरीके से बना है हमारा। हमने यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ नहीं किया था। तो देखिए इस तरह से प्लेट लेके इस तरह से पलट के निकाल लीजिए। तो देखिए बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से बना है, बिल्कुल ही चिपका नहीं है। तो उसके ऊपर हम शुगर सिरप डाल देंगे अभी। तो इस तरह से शुगर सिरप डाल देंगे और इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। और इसके ऊपर फिर हम चॉकलेट डालेंगे, चॉकलेट से हम इसको डेकोरेट करेंगे। आपको जिस तरह से डेकोरेट करना है आप उस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट डाल के डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से शुगर सिरप डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे, उस तरह से हम केक को सजाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ की वीडियो लाती रहूँगी। अभी हम इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली थी, उसको मैंने तो इसको मैंने चॉकलेट को पिघला के इस तरह का सिरप बना लिया। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। जिस तरह से आप केक को सजाना चाहते हो आप उस तरह से सजा सकते हो। केक को डेकोरेट करना आपके ऊपर है, किस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको सजा रही हूँ। अच्छे से इस तरह से हम लगा लेंगे इसके ऊपर चॉकलेट। अभी मैं इसके ऊपर क्रीम वाले बिस्किट जो हो क्रीम वाले बिस्किट का इस तरह से तोड़ के डालूंगी। तो इस तरह से क्रीम वाले बिस्किट को मैं तोड़ के डालूंगी, अच्छा दिखेगा और केक भी अच्छा बनेगा। तो इस तरह से कोई भी फ्लेवर का आप बिस्किट डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर का बिस्किट लिया है। तो इस तरह से तोड़ के डाल दीजिए, बढ़िया केक बनेगा, दिखने में भी अच्छा, खाने में भी टेस्टी, बन के तैयार हो चुका है। तो मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ एक बार। अभी हम इसको काटेंगे। तो इस तरह से काट लीजिए आराम आराम से। तो यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल ही प्रॉन्जी बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल ही फ्लफी बना है, बिल्कुल ही प्रॉन्जी अंदर से एकदम स्मूथ। तो इस तरह से काटने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए बनाना बिल्कुल ही मज़ेदार, खाने में भी टेस्टी। तो यहाँ पे मैं खा के भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो देखिए बनाना बिल्कुल टेस्टी और बढ़िया।